Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े उनके बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बात करें तो बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनएसए एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेशी के लिए लखनऊ रवाना कर दिया गया है। पेशी के लिए अब्बास को कासगंज जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा में 5:30 बजे अब्बास अंसारी को कासगंज की हाई सिक्योरिटी बैरक से लेकर पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान कासगंज जेल से लेकर जिले की सीमा तक कड़ी सुरक्षा में अब्बास अंसारी को लखनऊ के लिए भेजा गया है। जी बात करें तो अब्बास अंसारी के साथ पुलिस फोर्ट का एक बड़ा काफिला साथ है। अब्बास अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज से लाया जा रहा है। अब्बास अंसारी के साथ भी सुरक्षा में 3 गाड़ियों में सुरक्षा कर्मी तैनात कर भेजे गए हैं। वहीं बात करें तो जेल अधीक्षक विक्रम सिंह ने बताया है कि अब्बास अंसारी को एनएसए एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ में पेश किया जाएगा और उन्हें सुबह विशेष सुरक्षा में जो है वो रवाना कर दिया गया है। वहीं बात करें तो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की मंगलवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी और मामलों में आरोप तय होना था, लेकिन आरोपी शाहिद लारो, शाकिर लारी, इसराइल और रमेश राम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो वहीं उनकी ओर से गैर हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। एसजीएम एमपीएमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर चारों तरफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही अगले आदेश की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। तो एक बड़ी खबर अब्बास अंसारी से जुड़ी है कि ऐसे मामले में अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। बाकी पल पल की जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।